है वेलकम बैक सो लास्ट वीडियो हमने दिस मेथड एंड सुपर मेथड के बारे में बात किया था नाउ इन दिस वीडियो विल गुना सी अबाउट दिस कीवर्ड एंड सुपर कीवर्ड सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था सुपर मेथड एंड दिस मेथड आर यूज्ड इनसाइड द कंस्ट्रक्टर ओनली एंड यूज्ड फॉर कॉल द कंस्ट्रक्टर ओनली ठीक है सिर्फ कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हम यूज कर रहे थे लेकिन यहाँ पे दिस की वर्ड एंड सुपर की हम किसी और रोल के लिए यूज करते हैं दोनों अलग अलग हैं, दोनों डिफरेंट हैं। ये की वर्ड हैं। नाउ लास्ट वीडियो हमने मेथड्स के बाउट में बात किया था अब हम दिस एंड सुपर की के बाउट में बात करेंगे सो दिस एंड सुपर आर की टू रिफर सुपर क्लास एंड करंट क्लास इन स्टांस

क्लास uh, है टेस्ट उसके अंदर एक मेन मेथड मैंने ले लिया सिंपली uh, करके मेथड हाँ बनायाबल बनाया. भी मैंने ले लिया लाइक समथिंग एंड एवन करके ले लिया सिंपल है ठीक है अब उस, इस एवन इस डिस्प्ले को मुझे एक्सेस करना है तो कैसे है क्या मैं डायरेक्ट इस मेन मेथड के अंदर डायरेक्ट डिस्प्ले आ, डिस्प्ले कॉल कर दू नहीं कर सकते क्यों क्योंकि ये स्टैटिक एरिया है और ये नॉन स्टैटिक मेथड है अगर स्टैटिक मेथड होता तो डायरेक्ट कॉल कर सकते थे लेकिन नहीं कर सकते हम यहाँ पे अभी मुझे इसको एक्सेस करना है इस डिस्प्ले को एक्सेस करना है तो अगर इस डिस्प्ले इस मेंबर इस मेंबर और इस मेथड को मुझे एक्सेस करना है तो उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा एक इंस्टांस बनाना पड़ेगा किसका इंस्टांस बनाना पड़ेगा इस टेस्ट क्लास का इंस्टांस बनाना पड़ेगा एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा मतलब एक ऐसा रेफरेंस बनाना पड़ेगा जिससे कोई पूछे ना कोई उससे बोले ना कि तुम कहाँ हो उसको देखते ही पता चल जाए कि यह टेस्ट क्लास का है अब इस टेस्ट क्लास के अंदर कुछ भी वो एक्सेस कर सकता है Suppose. मुझे एक बनाना तो इंस्टांस में पहले इंस्टांस बनाते हैं इंस्टांस बनाने के लिए हम क्या करते हैं सिंपली यहाँ पे न्यू की करके उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देते हैं इनोव कर देते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या बन गया इंस्टांस बन गया अब इस इंस्टांस को एक रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर कराना है तब इस इंस्टान को एक रेफरेंस वेरिएबल अब वो रेफरेंस जो वेरिएबल होगा वो किस टाइप का होगा कैंटीजर टाइप का होगा कैस्ट्रिंग टाइप का होगा नहीं वो किस टाइप का होगा वो उस टाइप का होगा जिस, जिस टाइप का ये इंस्टान्स है

इस OBG के अंदर क्या है? है किसका? क्लास का। तो सेम वे में अब अब इनको हम यूज करके देखेंगे। अब इनको हम हम करके करके देखेंगे। देखेंगे। फिर उसके बाद पहले तो एक एग्जांपल लेंगे जिसमें दिस एंड सुपर को डिस्टिंग्विश करेगा कि दिस काम क्या होता है सुपर का काम क्या होता है? फिर उसके बाद दिस के लिए अलग केसेस लेंगे सुपर के लिए अलग केसेस लेंगे अब यहाँ पे बात आती है कि क्या दिस एंड सुपर दोनों एज अ रेफरेंस यूज कर रहे हैं तो दोनों का काम एक ही है क्या अगर एक ही है तो दोनों को अलग अलग क्यों बनाया गया सुपर क्यों बनाएगा? बनाएगा कोई एक ही हो जाता कोई एक ही बन जाता लेकिन नहीं दिस का काम क्या है दिस का काम एज अ रेफरेंस है एज अ रेफरेंस यूज करना है एज एन ऑब्जेक्ट यूज करना है लेकिन करेंट क्लास के लिए जिस क्लास की हम जिस क्लास में हम हैं उसी क्लास में अगर हम दिस का यूज कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास के इंस्टांस को एक्सेस करेगा मॉडिफाई करेगा

एक मैं यहां पे क्लास बनाता हूं पैरेंट पैरेंट पे, पे क्लास बनाया ठीक है इसके अंदर कोई वेरिएबल मैंने स्टोर कर दिया इंट नेम इसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी अब्दुल ठीक है ओके नाउ okay, इसी अभी क्लास बनाते हैं चाइल्ड क्लास ठीक चाइल्ड क्लास बनाते हैं जो एक्सटेंड करेगा पेरेंट को ठीक है अब ये चाइल्ड क्लास हो गया और ये पेरेंट क्लास हो गया ठीक है अब इसमें भी हम क्या करते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं एंड सिंपली यहां पर लाके पेस्ट कर देते हैं और इसके अंदर स्टोर कर देते हैं समथिंग रितिका ठीक है नाउ ऑल ऑफ यू विल थिंक दैट दिस नेम एंड दिस नेम इज सेम इज नथिंग बट द सेम लेकिन दिस नेम इज द वेरिएबल ऑफ पेरेंट क्लास

सिंपल अब अलग अलग दिख रहा है अब मैं यहाँ पे एक वाइट डिस्प्ले करके मेथड बना रहा हूं वाइट डिस्प्ले करके मैंने एक मेथड बनाया अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इस वाले को भी एक्सेस करूं इस वाले को भी एक्सेस करूं ठीक है तो मैं यहाँ सिंपली एक मेथड एक मैसेज में, टाइप करता हूं एंड यहाँ पे दे देता हूँ नेम सिंपल एंड यहाँ पे अब मैं अगर नेम नेम को यहाँ पे मैं प्रिंट करू सपोज ये चीज मैं हटा देता हूँ

सिंपल है ओके अब हमने क्या किया हमने जैसे डिस्प्ले को कॉल किया अब डिस्प्ले को कॉल किया तो हमारा एग्जीक्यूशन uh, कंट्रोल यहाँ पे आएगा अब एग्जीक्यूशन कंट्रोल आएगा चेक करेगा कि प्रिंट करना है अब जब प्रिंट कर रहा है नेम और ये प्लस नेम कौन सा प्रिंट करेगा क्या ये ये नेम प्रिंट करेगा ये नेम प्रिंट करेगा क्योंकि चाइल्ड क्लास तो दोनों को एक्सेस कर सकता है बिल्कुल ये रितिका प्रिंट करेगा क्यों प्रिंट करेगा क्योंकि हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया हुआ Child class का का तो child class पे प्रिंट करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ ये इसको भी प्रिंट करे इसको लिए प्रिंट करे। तो इसके लिए भी कॉपी कर लेते हैं उसको प्रिंट करें तो मैंने कहा था कि दिस कीवर्ड यूज्ड एज अ रेफरेंस फॉर द करंट क्लास एंड सुपर यूज्ड एज अ रेफरेंस फॉर द पेरेंट क्लास तो ये पेरेंट क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है है ना तो अगर मैं यहाँ पे इस नेम के आगे दिस डॉट दिस डॉट नेम कर दू तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये दिस डॉट नेम मतलब क्या ये करंट क्लास के लिए करंट क्लास के इंस्टांस मेंबर के लिए है ये है ना है ना

मैं पे को को या कर रहा पहले क्या हुआ? अब्दुल, है। तो इस तरीके से दिस एंड सुपर का यूज करते हैं दिस का यूज करते हैं करंट क्लास के इंस्टांस का यूज करते हैं पेरेंट क्लास के इंस्टांस लिए। ठीक है पेरेंट क्लास के इंस्टांस ओके ओके okay, सो so, अब हम देखेंगे दिस कीवर्ड के लिए अलग अलग केसेस देखेंगे उसके बाद सुपर कीवर्ड के लिए अलग अलग केसेस देखेंगे ताकि दिस कीवर्ड एंड सुपर की के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिलहाल के लिए इतना हम समझ गए कि दिस कीवर्ड एंड सुपर कीवर्ड दोनों एज अ रेफरेंस यूज किया जाता है जावा में कीवर्ड का करेंट क्लास के लिए रेफरेंस यूज़ करते हैं एंड सुपर कीवर्ड को पेरेंट uh, क्लास के लिए रेफरेंस यूज़ करते हैं अब इसी केस में इसी में हम एक, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एंड समझते हैं कि दिस कीवर्ड एंड सुपर कीवर्ड के कुछ डिफरेंट डिफरेंट केसेस को ओके okay? उसके पहले मैं अपने नोट्स को यहाँ पे खोल लेता हूँ कुछ चीजें यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ ओके okay, जैसे सुपर कीवर्ड कीवर्ड एंड एंड दिस दिस सॉरी सुपर सुपर मेथड 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 कैन बी यूज्ड ओनली इनसाइड द कंस्ट्रक्टर जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ सुपर मेथड एंड दिस मेथड सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर के लिए ही बने गए बनाए गए ठीक है इसको आप कंस्ट्रक्टर के बाहर कहीं नहीं यूज कर सकते सुपर मेथड दिस मेथड को बट दिस एंड सुपर कीवर्ड कैन बी यूज्ड एनीवेयर एक्सेप्ट स्टैटिक एरिया कैन बी यूज एक्सेप्ट स्टैटिक एरिया एरिया में नहीं यूज कर सकते क्यों नहीं यूज कर सकते रीजन ये है क्योंकि ठीक है ये तो हमने देखा है अब इसको हम एग्जाम्पल एग्जाम्पल से भी प्रूव कर लेते हैं सपोज स्टैटिक एरिया की बात अगर हो रही है सपोज सपोज यहाँ पे अगर वेरिएबल लेते हैं इन वेरिएबल ठीक है, एक्सेस करना है स्टैटिक एरिया क्या स्टैटिक एरिया क्यों स्टैटिक एरिया क्योंकि हमने यहाँ पे स्टैटिक डिफाइन किया हुआ तो स्टैटिक एरिया हो गया अब इस स्टैटिक एरिया में मुझे ये वेरिएबल को एक्सेस करना है तो वेरिएबल को एक्सेस करना है तो सेम क्लास में एक्सेस करना है तो सेम क्लास में एक्सेस करने के लिए हम दिस की वर्ड का यूज कर सकते हैं या मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़े टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है तो टेस्ट की ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि कंपाइलर कहता है क्योंकि जावा कहता है कि आप दिस का यूज कर सकते हो एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द करेंट क्लास सुपर का यूज कर सकते हो एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द पैरेंट क्लास तो अगर दिस मेरे पास है तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है तो मैं सिंपली यहाँ पे दिस डॉट वैर को यूज एक्सेस कर सकता हूँ अब मैं this.var को एक्सेस करूंगा तो यहां कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा क्यों क्योंकि हमने यहां पे स्टैटिक एरिया में यूज किया हुआ है तो मैं यहां पे जावा java se.test और जावा करता हूं आप देखो अच्छा इसके अंदर मैं कुछ वेरिएबल डाल देता हूं लाइक like समथिंग या या सब समथिंग मैं इसे प्रिंट करना चाहता हूं कोई स्टेटमेंट नहीं बन गया ना ये कोई स्टेटमेंट है नहीं सो so, यहां पे वैल्यू पे ठीक है आप देखो क्या देखने को मिल रहा है नॉन स्टैटिक वेरिएबल दिस कैन नॉट बी रिफरेंस फ्रॉम द स्टैटिक कंटेस्ट दिस क्या है एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है और उसको हम स्टैटिक कंटेस्ट है रिफरेंस नहीं दे सकते है ना एज ऑब्जेक्ट यूज करो कहीं पे भी यूज करो जावा में कहीं पे भी यूज करो सुपर को एज एबेक्ट यूज करो कहीं पे भी यूज करो लेकिन आप स्टैटिक एरिया में नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि इसका पहले पहले से हम जानते हैं कि नॉन स्टैटिक एरिया नॉन स्टैटिक मेंबर को हम एज ए कर सकते हैं स्टैटिक एरिया में है mein, ना तो ये एक पहला केस बन गया दूसरा केस भी हम देखेंगे यहाँ पे या सुपर एंड दिस मेथड कैन यूज ओनली वंस इन द कंस्ट्रक्टर बट दिस एंड सुपर कैन बी यूज ओनली हम बार बार यूज नहीं कर सकते मोर देन वन टाइम नहीं यूज कर सकते सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते ठीक है अब हम कुछ केसेस लेते हैं दिस एंड सुपर की वर्ड को समझने के लिए तो यहाँ पे मैं कुछ केसेस लेके आपको बताता हूँ तो पहले ये चीजें रहने देते यहाँ रहने देते ठीक है ओके हटा देते ओके तो कुछ केसेस लेते हैं, 말고, केस, लेते हैं। वान। केस, वान। केस, केस, केस वन लेते हैं सबसे पहले केस वन केस वन केस वन नहीं केस टू केस वन तो हमने देख लिया कि हमने दिस एंड सुपर कीवर्ड को इन स्टैटिक एरिया स्टैटिक एरिया में हम नहीं यूज कर सकते ठीक है तो केस केस टू लेते हैं केस टू क्या कहता है केस टू तो कहता है दिस इज दिस की Distinguish between local and instance variable. ठीक है, होगी तो अपना देख ना, कर लेना, दिस दिस कीवर्ड लोकल एंड मेंबर में डिस्टिंग्विश डिफरेंशिएट करता है सपोज अगर मैंने यहां क्लास ले लिया टेस्ट ले लिया एंड इसके अंदर आ गया मैं एक है इंट वेरिएबल ठीक है int int variable. Now is class constructor constructor int var. Now class constructor Constructor value var. initialize this time अब आप देखोगे कि ये value ये जो है ये क्या है Instance member है. Instance member है और यहाँ जो ये वेर use किया हुआ है ये क्या है local member है. ये local member है. लोकल मेंबर है क्योंकि ये वैर सिर्फ और सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर रहेगा क्लास के के ब्लॉक अंदर है इसके इसको यूज नहीं कर सकते लेकिन इस वेर को हम कहीं पे भी टेस्ट क्लास के अंदर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं ठीक है इसलिए इसको में कर रहे हैं अब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे दोनों का नाम तो सेम है आप देखोगे ये वैर और ये वैर नाम से तो सेम लग रहा है लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं दोनों अलग अलग वेरिएबल है नाम भले एक है लेकिन अलग अलग वेरिएबल है अब क्या एक कॉलोनी में एक नेम का एक नेम के दो लोग नहीं हो सकते क्या

अब दिस दिस ये क्या बता रहा है ये कौन सा है ये है है ठीक अब इसमें मुझे इनिशलाइज करना तो मैं यहां सिंपली कौन है ये वाला लोकल है और ये वाला वायर कौन है जो दिस जिसको हम दिस की हेल्प से एक्सेस कर रहे हैं अब कोर्स दिस की हेल्प से अगर एक्सेस कर रहे हैं तो लोकल को तो एक्सेस नहीं कर रहे हैं हम इंस्टांस को एक्सेस कर रहे हैं तो ये वाला हो गया ये हो गया हमारा लोकल मेंबर इस तरीके से लोकल मेंबर एंड इंस्टांस में डिस्टिंग करता है ठीक है ठीक है ओके okay. सो so, uh, एक और केस है केस थ्री है यहां पे, केस थ्री क्या कहता है केस थ्री कहता है कि दिस की वर्ड कैन बी यूज फॉर इन वोकिंग अ मेथड, इन वोक अ कैन इन वोक करेंट मैथड करेंट क्लास मैथड ठीक है इसका मतलब क्या हुआ पहले हम देखते हैं कि, कि किसी मेथड को इन्वोक करने के लिए हम करते क्या है ये चीज देखते सपोज मैंने यहाँ पे वाइड बनाया एंड एक यहाँ पे वैल्यू ली इंट वैल्यू इसके अंदर मैंने थर्टी प्रिंट कर दिया सिंपल ओके ओके ऐसे थर्टी डायरेक्ट ना प्रिंट करके हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेंगे इसको दिस पढ़ रहे हैं तो दिस इनिशियलाइज कर लेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले डिस्प्ले नेम का एक मेथड बनाते हैं इसके अंदर आते हैं हम यहाँ पे दिस डॉट करके इस वैल्यू इस वैल्यू को एक्सेस करेंगे इसके अंदर हम यहाँ पे थर्टी स्टोर कर देंगे ठीक है अब इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे यहाँ पे प्रिंट करेंगे और क्या प्रिंट करेंगे इनवोक्ड बाय दिस कीवर्ड इनवोक्ड बाय दिस कीवर्ड ठीक है ओके नाउ एक और मेथड बनाते हैं वॉइड इनवोकिंग इनवोकिंग नेम से एक मेथड बनाते हैं ठीक है अब उसके अंदर इस मेथड को हमें इनवोक करना है ठीक इस मेथड को हमें इनवोक करना है तो कैसे इनवोक करेंगे अगर मुझे इस डिस्प्ले को इनवोक करना है तो बेसिकली मैं क्या करूंगा मैं एक मेन मेथड बनाता हूं मैं एक मेन मेथड बनाऊंगा उसके अंदर मैं स्ट्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा

है ना तो एक तरीका और बना लिया हमने अगर मुझे इन्वोव करना है एक मेथड से दूसरे मेथड को इन्वोव करना है यहाँ पे तो यहाँ सिंपली हम क्या कर सकते हैं दिस डॉट डिस्प्ले दिस डॉट डिस्प्ले कर दिया और यहाँ पे डिस्प्ले को ना कॉल करके हमने इन्वोकिंग को कॉल कर दिया इन्वोकिंग को कॉल कर दिया सिंपल है अब इन को कॉल कर दिया तो सबसे पहले कंट्रोल हमारा मेन मेथड के पास आएगा मेन मेथड के पास चेक करेगा यहाँ पे एक इंस्टांस बना टेस्ट के लिए ओबीजे क्या है एज अ रेफरेंस यूज हो रहा है तो एज ए रेफरेंस डॉट इन किया हमने

किसी मेथड या किसी मेंबर को एक्सेस कर सकते हो तो इसने डिस्प्ले को कॉल किया अब कंट्रोल आएगा हमारा डिस्प्ले के पास आएगा अब डिस्प्ले के पास कंट्रोल आया तो यहाँ पे वैल्यू में 30 स्टोर हो गया एंड प्रिंट हो गया इनवोक बाय दिस कीवर्ड है ना इनवोक बाय दिस कीवर्ड ओके नाउ सेव इट जावासी टेस्ट.java जावा टेस्ट अभी देखो इनवोक्ड बाय दिस कीवर्ड कीवर्ड इनवोक्ड बाय दिस ये आंसर हमें मिल गया ठीक है ये आंसर मिल गया हमें तो हम देखते हैं कि हमने देखा इसी एग्जांपल में हमने क्या क्या दो चीजें देखी हमने ये देखा कि हम दिस कीवर्ड की हेल्प से हम कोई इंस्टांस मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं और हम दिस कीवर्ड की हेल्प से हम किसी और मेथड को कॉल भी कर सकते हैं सेम क्लास में क्यों क्योंकि दिस कीवर्ड एज अ रेफरेंस यूज होता है करंट क्लास के लिए जैसे यहाँ पे OBJ as a हो रहा है। क्यों टेस्ट क्लास का इंस्टांस स्टोर कर दिया है इस ओबीजे की हेल्प से हम एक्सेस कर सकते हैं इनवोकिंग को भी डिस्प्ले को भी सेम वे में हम दिस डॉट डिस्प्ले को भी एक्सेस कर सकते हैं दिस डॉट इनवोकिंग को भी एक्सेस कर सकते हैं आप चाहो तो यहाँ पे भी आप दिस डॉट दिस डॉट इनवोकिंग कर दो डॉट इन वो तो ये आपके ऊपर आप यहां से चाहो कोई और मेथड बनाओ आप दिस डॉट अनदर मेथड, दिस डॉट अनदर मेथड अनदर मेथड को कॉल कर लो कोई और मेथड हो आपके पास है ना तो आप अपने हिसाब से चीजें कर सकते हो ठीक है ये था केस नंबर टू ये था केस नंबर टू ओके इवन दो दिस क्लास दिस को एस एन ऑब्जेक्ट भी हम रेफरेंस पास कर सकते हैं

For एक ऑब्जेक्ट, ठीक? की तरह हम आर्गुमेंट में पास कर सकते हैं तो डिस्प्ले में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ ऑब्जेक्ट मैं कैसा ले रहा हूं टेस्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट लेना चाहता हूँ एंड टेस्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट लेना चाहता हूँ यहाँ पे अब मैं ये प्रोग्राम बना रहा हूं जो मैंने यहाँ वैल्यू लेके रखी थी जो मैंने यहाँ वैल्यू लेकर रखी थी इस वैल्यू को मुझे आ, चेंज करना है ठीक है तो इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ हटा देता हूँ एंड इसमें यहाँ टेस्ट क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ ठीक है टेस्ट क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना दिया एंड इसमें मैंने स्टोर कर दिया ओके सिंपल या अब वैल्यू में कितना है थर्टी आ गया अब मैं चाहता हूँ थर्टी को मैं चेंज करूंगा ठीक है थर्टी थर्टी वैल्यू को मैं चेंज करूंगा उसके लिए मैं यहाँ पे प्रोग्राम बना रहा हूं तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल दिया जिसमें मैं टेस्ट टेस्ट क्लास का ही ऑब्जेक्ट स्टोर करूंगा ये मैं एक रेफरेंस दे रहा हूँ ये क्या है एक रेफरेंस है इस रेफरेंस में मुझे चाहिए टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे कि मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा था तो मैंने पहले ऑब्जेक्ट बनाया इस ऑब्जेक्ट को किसमें किस में डाला टेस्ट नाम के रेफरेंस में डाला टेस्ट क्लास के एक रेफरेंस में डाला तो रेफरेंस कौन है ओबीजे उसी तरीके से मैं यहाँ पे रेफरेंस बना रहा हूँ इसमें मुझे पास करके एक ऑब्जेक्ट चाहिए ठीक है पास करके एक ऑब्जेक्ट चाहिए सिंपली ओके सो अब हम क्या करेंगे अब हम इस जो वैल्यू इंट ये वैल्यू दे देते हैं न्यू वैल्यू सिंपल न्यू वैल्यू ठीक है अब दिस डॉट करके मैंने जो वैल्यू लेके रखी थी अब ये वैल्यू कौन सा एक्सेस हो रहा है ये वाली वैल्यू एक्सेस होगी

किसी आर्गुमेंट में अगर किसी आर्गुमेंट में ऑब्जेक्ट पास करना है क्लास का ऑब्जेक्ट पास पास करना तो तो सिंपल सिंपल हम 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 दिस 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 कर देंगे देंगे कोई बोला है कि क्लास क्लास का दो, तो हम हम दे देंगे। क्योंकि का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दो दे क्योंकि होता है सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट होता है ठीक तो दे है ओल्ड वैल्यू कितनी थी ओल्ड uh, वैल्यू को सिंपली दिस डॉट वैल्यू प्रिंट कर देंगे ठीक है अब ओल्ड वैल्यू को हमने यहां न्यू वैल्यू से अपडेट कर दिया न्यू वैल्यू को न्यू वैल्यू से अपडेट कर दिया एंड इसके अंदर इसके अंदर हम ले लेते हैं न्यू वैल्यू न्यू वैल्यू ठीक है दिस डॉट वैल्यू

एंड एग्जीक्यूट करते हैं जावा सी टेस्ट डॉट जावा नो कंपाइल्ड है मेरा नो कंपाइल्ड है मेरा जावा टेस्ट अब देखो ओल्ड वैल्यू इज 30 न्यू वैल्यू इज 50 सिंपली तो हमने केस फोर में देखा कि हम दिस कीवर्ड को एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं यूज तो कर रहे हैं एंड ऑब्जेक्ट को अगर मुझे किसी आर्गुमेंट एज एन आर्गुमेंट पास करना है ऑब्जेक्ट को तो दिस की को पास करते दे, कर देते हैं हमें अपना न्यू ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है हम दिस की वर्ड को पास कर देंगे तो कंपाइलर समझ जाएगा ये करेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है mm -hmm. जैसे यहाँ पे दिस ऑब्जेक्ट हमने पास किया है तो ये दिस ऑब्जेक्ट किस में जाएगा एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल में जाएगा जो टेस्ट टाइप का है अभी ओबीजे रेफरेंस वेरिएबल काम करेगा किसके लिए टेस्ट के लिए क्यों क्योंकि ये टेस्ट टाइप का है और दिस किसके लिए का कामी डिफिनेशन यही है और कौन है टेस्ट क्लास है है ठीक तो ये था दिस कीवर्ड अब हम सुपर के लिए कुछ दो केसेस देख लेते हैं वो भी कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं फिर आ, इस वीडियो को फिनिश करते हैं ताकि आ, आगे बढ़े एंड होप सो ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो रहे ठीक है सपोज मैंने पे क्लास पेरेंट लिया क्लास पेरेंट लिया ठीक है इसके अंदर मैंने कोई वेरिएबल uh, ले लिया वाइड सो so, करके कोई वेरिएबल ले लिया ठीक है इसके अंदर एंड इसमें मैंने कुछ प्रिंट कर दिया साउथ फ्रॉम पेरेंट फ्रॉम पेरेंट अब एक चाइल्ड क्लास ले लिया क्लास चाइल्ड एक्सटेंड पेरेंट ठीक है अब इसके अंदर आम, मैंने एक मैसेज ले लिया वे या डिस्प्ले वाइड डिस्प्ले करके मेथड ले लिया अब मुझे इस वाले मेथड को एक्सेस करना है तो केस वन सुपर क्लास के लिए अब हम सुपर क्लास के लिए देख रहे हैं केसेस देख रहे हैं ठीक है तो सुपर क्लास के लिए केसेस यहाँ पे यहां पे केस लिख लेते केस, केस है क्यों क्योंकि केस में हमने देखा था नॉट बी यूज इन साइड एनी स्टैटिक एरिया ठीक है बाकी उसकी जगह कहीं पे भी यूज आप कर सकते हो कितने भी टाइम आप यूज कर सकते हो नो प्रॉब्लम केस टू क्या कहता है कि विथ सुपर वी कैन इन वोक विथ सुपर वी कैन इन Uh, देखा था हम कॉल कर सकते थे दिस मेथड से दिस की वर्ड से हम करंट uh, क्लास में किसी और मेथड को कॉल कर सकते थे उसी तरीके से हम चाइल्ड क्लास से पेरेंट के पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर सकते थे सिंपली यहाँ पे अगर मुझे कॉल करना है पेरेंट क्लास के मेथड को मैं यहाँ पर डालूंगा सुपर डॉट एंड यहाँ पे शो करके मैथड है ने? बस सिंपल है सिंपल है तो यहाँ पे सुपर कीवर्ड की हेल्प से हम पेरेंट क्लास के मेथड्स को इन्वोक कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं क्योंकि सुपर इज़ पैरेंट क्लास ठीक है सुपर यूज सुपर इज यूज एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द पेरेंट क्लास सिंपल है दिस इज दिस कीवर्ड इज यूज एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द करेंट क्लास ठीक है ओके okay. ओके okay, अब मैं यहां पे सपोज यहां पे वॉइड एक एक में यहां पे दिस एंड सुपर के बीच में कुछ वॉइड चीजें क्लियर कर रहा हूं मैं यहां पे एक मैसेज दे रहा हूं इसमें दे रहा हूं कि फ्रॉम चाइल्ड ठीक है फ्रॉम चाइल्ड अब मैं यहां पे मैंने आपसे बताया था कि सुपर मेथड दिस मेथड यूज्ड इनसाइड द कंस्ट्रक्टर एंड दिस गिवन सुपर कीवर्ड कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन जावा एक्सेप्ट स्टैटिक एरिया एंड मैंने आपसे ये भी बताया था कि दिस की वर्ड एंड सुपर की एक साथ यूज नहीं किया जा सकते लेकिन मैं यहाँ पे दिस की वर्ड भी यूज कर ले रहा हूँ यहाँ पे शो को कॉल कर दिया अब आप बताओ ये शो किसको कॉल करेगा ये किसको कॉल करेगा एंड ये किसको कॉल करेगा ये शो किसको कॉल करेगा? करेगा ये सुपर की वर्ड है तो कंपाइलर समझ जाएगा कि ये पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है तो पेरेंट क्लास के शो को कॉल करेगा एंड ये दिस डॉट शो किसको कॉल करेगा

अब इसमें इस रेफरेंस से इस रेफरेंस से इस मेथड को कॉल करते थे ताकि ये दोनों एग्जीक्यूट हों ठीक है तो इस डिस्प्ले को कॉल करेंगे इस रेफरेंस के ओबीजे डॉट डिस्प्ले ठीक है सिंपल हमने डिस्प्ले को कॉल कर अब जैसे डिस्प्ले को हमने यहाँ से कॉल किया हमारा एग्जीक्यूशन कंट्रोल यहाँ पे आएगा एंड डिस्प्ले यहाँ पे चेक करेगा अब फिर उसके बाद जैसे डिस्प्ले चेक करेगा तो अंदर आएगा देखेगा सुपर डॉट शो है सुपर डॉट शो है तो कंपाइलर समझ जाएगा ये पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है तो पेरेंट क्लास का शो को कॉल करेगा और यहाँ पे प्रिंट होगा फ्रॉम पेरेंट फिर उसके बाद ये दिस डॉट शो फिर वहां से ये एक्सिक्यूट करने के बाद जहां कंट्रोल छोड़ा था वही कंट्रोल फिर से आ जाएगा यहाँ पे इस वाली लाइन के बाद इस वाली लाइन के बाद आ गया हमारा लाइन दिस डॉट शो एंड कंपाइलर समझ जाएगा दिस करंट क्लास का ऑब्जेक्ट होता है तो करंट क्लास के शो को कॉल करेगा तो इस चाइल्ड से पूछेगा इस चाइल्ड से पूछेगा कि आपके पास शो नाम का कोई मेथड है बोलेगा जी हमारे पास है तो प्रिंट होगा फ्रॉम चाइल्ड पहले शो सुपर आएगा सुपर आएगा सुपर ऑब्जेक्ट तो ये जाएगा पेरेंट क्लास के पास ये पूछेगा आपके पास शो नाम का कोई मेथड है बोलेगा हाँ है तो यहाँ पेरेंट प्रिंट होगा फ्रॉम प्रिंट होगा ठीक है उसके बाद यहाँ पे दूसरा दिस डॉट शो अब ये वाला शो ये ये शो से अलग है ये शो से अलग है ये शो अलग है ये ओवर रिडर है ये ओवर रिडन है तो मैं यहाँ पे ओवर राइड का साइन दे देता हूं ये ओवर रिडन है ठीक है ठीक है तो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे सेव सेव करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं लेट्स सी टेस्ट ऑन जावा जावा टेस्ट आप देखो फ्रॉम पैरेंट एंड फ्रॉम चाइल्ड तो दिस कीवर्ड को हम इन्वोक कर सकते हैं करंट क्लास के मेथड को एंड सुपर कीवर्ड को हम इन्वोक करने के लिए सुपर 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 कीवर्ड का यूज करते हैं पेरेंट क्लास के मेथड को इन्वोक करने के लिए सिंपली केस नंबर थ्री यहाँ पे केस नंबर थ्री है सुपर क्यूवर्ड सुपर वी कैन एक्सेस वी कैन एक्सिस पेरेंट इंस्टांस या वी कैन कॉल द कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर ये चीजें हम पढ़ेंगे जब हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग इस वीडियो के बाद जब कंस्ट्रक्टर चेनिंग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे आप सपोज यहां पे क्लास में कोई मेंबर है सपोज इंट करके इंट वेरिएबल करके कोई मेंबर है इंट वेरिएबल करके कोई मेंबर है अब मुझे प्रिंट करना है अब मुझे उस, उसको एक्सेस करना है ठीक है तो उसको एक्सेस कर लेते हैं थर्टी करके वैल्यू ठीक है ओके तो यहाँ पे मेथड प्रिंट करेंगे यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं मैसेज कर तो प्रिंट कर करते हैं यहाँ पे ठीक है वैल्यू और इसके अंदर में यहां पे सुपर डॉट सुपर डॉट वैर डाल दिया अब सुपर डॉट वैर डाल दिया अब ये वैर किसका कौन से एक्सेस करेगा इसको एक्सेस करेगा क्यों क्योंकि पेरेंट क्लास का सुपर मिला सुपर जैसे मिला कंपाइलर बोलेगा कि पेरेंट पेरेंट क्लास के पास चलो इस क्लास के पास नहीं रहने का तो क्लास के पास आएगा और यहां पे पूछेगा कि देगा सो सिंपल जावासी टेस्ट डॉट जावासी टेस्ट डॉट नाउ अगेन जावा टेस्ट अब देखो वैल्यू कितनी प्रिंट हो गई थर्टी प्रिंट हो गई सो सिंपल ना टू थर्टी ओके था जिस क्यूबेट हाँ वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सुपर क्यूब कैन नॉट बी यूज एज एन आर्गूमेंट फॉर पासिंग एन ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट की तरह सुपर क्यूबेट को पास करना तो हम ये नहीं कर सकते हैं हाँ करंट इंस्टांस को पास कर सकते हैं जो भी तुम्हारा instance है उस instance को पास कर सकते हैं, लेकिन सुपर को एज एन ऑब्जेक्ट नहीं पास कर सकते हैं जैसे हमने लास्ट लास्ट एग्जांपल में देखा था दिस वर्ड के लिए कि दिस को एज एन ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे उस तरीके से हम सुपर की को एज एन ऑब्जेक्ट पास नहीं कर सकते ओके okay? तो ये माइंड में रखना ये माइंड अब इसके लिए प्रिपेयर मत करने लग जाना कि सुपर की को कैसे पास करना है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट पास नहीं कर सकते तो यहाँ पे सिर्फ दो ही केसेस हम देखेंगे इसके लिए केसेस हमने दिस की के लिए चार केसेस देखे पहला केस क्या था दिस की कैन बी कैन नॉट बी यूज इन स्टैटिक एरिया सुपर की वर्ड कैन नॉट बी यूज इन स्टैटिक एरिया दूसरा केस हमने देखा कि हम आ, किसी भी मेथड को दिस की वर्ड की दिस की वर्ड की हेल्प से किसी भी मेथड को करेंट क्लास में कॉल कर सकते हैं इनवोक कर सकते हैं फिर तीसरा मेथड हमने देखा था कि हम एज एन ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं

अब ये ना सोच लेना कि सुपर की को भी एज एन ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं सुपर की को एज एन ऑब्जेक्ट पास नहीं कर सकते हैं ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट पैरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट है लेकिन इसको एज एन ऑब्जेक्ट पास नहीं कर सकते किसी भी आर्गूमेंट में जैसे हमने दिस की में दिस वर्ड में एक केस देखा था कि दिस की को एज एन ऑब्जेक्ट हमने पास किया था मेथड में कॉल किया था तो ऐसा ऑब्जेक्ट पास नहीं कर सकते सुपर को हाँ सुपर क्लास में सुपर क्लास में सुपर की में हम करंट इंस्टांस पास कर सकते हैं लेकिन उसके सुपर कीवर्ड को एज एन ऑब्जेक्ट नहीं पास कर सकते हैं ठीक है ओके नाउ वी विल सी अबाउट द कंस्ट्रक्टर चेनिंग एंड होप सो दिस कीवर्ड एंड सुपर कीवर्ड परफेक्टली इसमें कोई डाउट हो रहा तो प्लीज लेट मी नो वी विल डिस्कस अबाउट इट सेपरेट वीडियो बना लेंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे ओके okay? ओके okay.